और गाड़ियां चला रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए हैं, और ये तरीके गाइस नहीं उनको पता है कि हमें अपनी गाड़ी का जजमेंट में गाड़ी चलानी है और सही तरीके से चलानी है, ये तो भूल ही चुके हैं, क्योंकि भैया हम तो गाड़ी चला लेते हैं। दोस्तों नमस्ते, मैं पीके ड्राइवर आप सभी लोगों का और एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे ये वीडियो बना रहा हूं कि जैसे मैं गाड़ी चला लेता हूं तो मैं बहुत अपने आप को खलील खां समझता हूं। खलील खां मतलब बहुत बड़ा नवाब समझता हूं, बहुत बड़ा सेठ समझता हूं कि मैं गाड़ी चला लेता हूं भैया। तो गाइस आज की वीडियो में आपको यही चीजें समझाऊं कि जो आप गाड़ी चला लेते हो तो आपको इस तरीके से गलती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वीडियो पे प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो जरूर देखें जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल पाए कि आपको आप सभी लोगों को इस तरीके से गलती करनी है कि नहीं करनी है। जैसे कि गाइस हम लोग गाड़ी सीख जाते हैं तो क्या करते हैं कि गाड़ी जैसे अभी स्टार्ट है हमारी तो हम क्या गलती करते हैं कि सेकंड गियर में हम गियर लगाए हुए हैं और गाड़ी को प्रेशर देके कुछ इस तरीके से बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि गाइस हमें गाड़ी चलाने का तरीका आ गया भैया ना। अब यहाँ पे तो हम मिस्टेक करते ही करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम गाड़ी अपनी चला रहे हैं। अब एक चीज और मैं आपको ध्यान आपने नहीं दिया होगा बट मैं बता रहा हूँ। सपोज करिए यहाँ पे गाड़ी खड़ी है तो हम जब गाड़ी बढ़ा रहे थे तो ना तो इंडिकेटर दिए और ना तो राइट वाले मिलर में देखे, ना तो पीछे आरपीएम वाले मिलर में देखे और गाड़ी को जैसे बढ़ा दिए। अब पीछे से कोई आए हमारे ठोक दिए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठोकने वाले से दिक्कत नहीं है, बट ये है कि हम तो गाड़ी चला लेते हैं तो हम चाहे जिस गियर में उठाए गाड़ी को और चाहे हम अपने राइट साइड मिलर में राइट देखे, राइट साइड रोड पे आने समय ना समझ में आए तो ना देखे। तो गाइस इस तरीके से हम अपने आप को जानते हैं कि हम गाड़ी चला लेते हैं। अब हमारी गाड़ी चल रही है, पीछे जो लोग आ रहे हैं उनसे मतलब नहीं, हम बीच में चला रहे हैं क्योंकि हम गाड़ी चला लेते हैं। अब ये इंडिकेटर देखिए सामने से सफारी वाले दे रहे हैं, अब यहाँ पे हम अपनी गाड़ी को चलाते चले जा रहे हैं। अब मैं लेफ्ट साइड मुड़ना है, हम इंडिकेटर नहीं दे रहे हैं, ना तो हम अपनी गाड़ी को पीछे जज कर रहे हैं क्योंकि भाई हम तो गाड़ी चला लेते हैं ना। क्योंकि गाइस आज मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद खाली ये था कि आज मैंने ये चीजें पूरा दिन जो है जज किया कि लोग कैसे गाड़ियां चलाते हैं। जब गाड़ी चलाते हैं तो लेफ्ट साइड मुड़ना है, लेफ्ट साइड गाड़ी मोड़ दे, इंडिकेटर जलाना नहीं है, जाना राइट साइड में है और लगाए पड़े हुए हैं लेफ्ट साइड लाइन में गाड़ी उस पे क्या कहते हैं रेड लाइट पे। तो इस तरीके से लोग बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हैं। और जब मन आया तो कभी लेफ्ट साइड दबा दिए गाड़ी को, कभी राइट साइड दबा दिए, जिधर जिस समय मोड़ने का हमें आया उस साइड हम मोड़ दिए क्योंकि भाई हम तो गाड़ी चला लेते हैं। तो इस तरीके से लोग गलतियां करते हैं। और एक चीज गाइस मैं आपको बताऊंगा कि सपोज करिए कि कहीं से हमें एक सेकंड रोकना है तो नहीं, मैं पहले निकलूंगा आप बाद में जाइए, और जब बाय द वे किसी ने भी गाड़ी निकाल ली तो उसके ऊपर ऐसे घूरते हैं जैसे कि उसको खा जाएंगे, यही प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरीके से भैया गलतियां लोग कर रहे हैं, जो कि आज मैंने कई चीजों पे ध्यान दिया है ना। तो बहुत से लोग अभी तक हैं, अब यहाँ पे देखिए गाड़ी निकल रही वो ट्रक आप देख रहे हो, अब यहाँ पे जो बंदे होते हैं क्या करते हैं हैरान पे हैरान बजाते रहते हैं। अब सामने वाले भैया देख रहे हैं कहाँ से गाड़ी लेके चले आ रहे हैं, गाड़ी को हॉर्न बजाते रहते हैं। तो ये तरीके से गाइस गाड़ी नहीं, अब ये भैया बैक कर रहे हैं ट्रक तो हमें जगह मिल रही, हम अपनी गाड़ी को निकालते चले जा रहे हैं। तरीका गाइस क्या होता है वो आप सभी लोग सीखे, पहले जगह नहीं मिल रही है तब भी गाड़ी को खोसे दे रहे हैं क्योंकि भाई वो तो लक्ष्मी चंद है ही है ना। अब जगह मिलने या न मिले उससे मतलब नहीं, गाड़ी को खोस दिए बस हमारी गाड़ी निकल जाए आगे कैसे भी। अरे भैया घर जाके आपको देखना तो टीवी ही है, आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी गाड़ी को पहले निकाल लेंगे तो क्या हम बहुत बड़ा युद्ध जीत लेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान से हम लड़ाई लड़ लेंगे जाके भैया। तो आप इस तरीके से काहे लगे गलती कर रहे हो, आज आप लोग इस तरीके से गलती करते हो और कई चीजों के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना आपको उठाना पड़ता है। कहीं मालूम हुआ मुंह टूटा, कहीं सर फूटा, कहीं हाथ टूटा, कहीं पैर टूटा, कहीं पेट टूटा, कहीं कमर की हड्डी टूटी। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इतना भी जागरूक हम लोग करते हैं, इतना समझाते भी हैं और बहुत ज्यादा जो है हर एक पॉइंट बताते हैं
हर एक नियम का सिस्टम बताते हैं, सभी लोग नियम का पालन करते हैं, मगर कुछ लोग भैया हैं नवाब हैं, भाई लखनऊ में रहते नवाब तो है ही है, यहाँ से गाड़ी मोड़नी है। अब हम तो भैया सावधानी रखे हुए हैं कि अपना हम आराम से गाड़ी को मोड़ लेंगे जब गाड़ी की जगह मिलेगी, और नहीं तो जिसको जिसको जल्दी होता है वो भैया रुक भाई रुक रुक हॉर्न दे दिए और तुरंत गाड़ी को मोड़ दिए इस तरीके से। सो गाइस, आज की जो मैं वीडियो बना रहा था और बनाया हूँ, केवल आज मैंने देखा कि पूरा दिन मैं इधर उधर रहा, थोड़ा काम से गया था, तो आज मैंने ये चीजें देखी कि लोग बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चला रहे हैं, और जब भी आपको राइट साइड जाना है तो राइट साइड लाइन में लगाएं गाड़ी को, लेफ्ट साइड का हेक लगा के रखे भाई। भाई आप तो चले जा रहे हो ठासते हुए गाड़ी, और पीछे लोगों को दिक्कत हो रही, अब किसी ने थोड़ा सा लगा दिया, अब उसमें लेके हाय हाय करने लगे। आप तो मान लीजिए कि प्रधानमंत्री तो आई है, अभी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भाई ये छोटी छोटी गलतियां काहे करते हो, गाड़ी अपनी लाइन में चलाइए, लेफ्ट साइड जाना तो लेफ्ट साइड आपने गाड़ी लगाए, राइट साइड जाना राइट साइड लाइन में गाड़ी लगाए, है सीट बेल्ट लगा के चले। मान लीजिए किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो गई तो क्या करोगे, अब थोड़ी सी दिक्कत हो गई तो आपको दिक्कत ही होगी, आपकी गाड़ी नुकसान होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, आपको आपके पैसे खर्चा होंगे, तो कई प्रकार से आपको नुकसान ही तो है, फायदा कहां, खाली अपनी वाहवाही में, काहे की वाहवाही भैया। तो तरीका आप लोग काहे नहीं फॉलो करते, काहे नहीं गाड़ी सही चलाते हैं। आप लोगों को समझाया जाता है कि रेड लाइट हो जाए तो आप गाड़ी रोक दो, तब आपको सिग्नल मिले तब आप गाड़ी लेके जाइए। अब आप गाड़ी बैठे भी हैं, अपना सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए हैं, अब मान लीजिए कि कहीं पे आप खड़े हैं, अब हम क्या बताएं क्या क्या गलतियां करते हैं। तो इस तरीके से गलतियां ना करें गाइस। हालांकि हमें किसी प्रकार से कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है, मगर मैंने देखा कि आप लोग इस तरीके से गलती करते हो, प्लीज इस तरीके से गलतियां ना करें। और जब भी गाड़ी आपने चलाएं तो सीट बेल्ट लगा के चलाएं, एक लाइन में चलाएं, लेफ्ट साइड जाना तो लेफ्ट साइड लाइन में खड़ी करें, राइट साइड जाना तो राइट साइड गाड़ी खड़ी करें, सामने बीच में जाना है तो अपना बीच में पट्टी में गाड़ी अपनी लगा के खड़े हो जाए, जिससे कि कोई प्रॉब्लम किसी को ना हो। गाड़ी जब भी चलाएं तो अपने एक सिस्टम में चलाएं, ना जगह मिले तो आपको सामने साफ रोड सफा है तो आप भगा के चलाइए भाई। आपको ज्यादा जल्दी है तो 10 मिनट पहले निकलिए घर से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गाड़ी चलाने में, आराम से चले जाइए। देखिए गाइस, घर की गुस्सा अपने आप की गुस्सा रोड पे नहीं निकाली जाती, उससे आपका नुकसान ही है, कोई फायदा नहीं। क्योंकि भैया मैं तो झेल रहा हूँ, मान लीजिए मेरे घर की गुस्सा है, अब मैं रोड पे निकालू तो मैं भी पीटा जाऊंगा, तो इससे बढ़िया ये चीजें नहीं है गाइस। आराम से सुरक्षित गाड़ी चलाएं, आप भी सुरक्षित रहें, सामने वाले को सुरक्षित रखें। तो इस वीडियो को मेरा समझाने और बताने का मकसद बस यही था कि आप लोग सही से गाड़ी चलाएं, गलतियां न करें। तो गाइस वीडियो आप चाहो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना, और किसी प्रकार से सुझाव या जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करना गाइस कि मैं ये वीडियो गलत बनाया हूँ कि सही बताऊं। तो गाइस अब आप मुझे इजाजत दीजिए, किसी नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक लिए ओके बाय, जय हिंद।